मथुरा में एक सांड खुले नाले में गिर गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सांड को बाहर निकाला गया। शहर में कई जगह खुले नाले होने की वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो तस्वीरों में नाला खुला हुआ था, वहां पे सांड रात को गिर गया है। पता चला नहीं कब गिर गया है। उधर से सरकाते सरकाते यहाँ तक ले आए इसको। इसके बाद में फायर ब्रिगेड को फोन कराया है, वहां से टीम आई है, फिर क्रेन बुलाई है, फिर क्रेन की बड़ी मुशक्कत से करके फिर बाहर निकाला गया सांड यहाँ। आइए अब आपको राजस्थान से आई एक दिलचस्प वीडियो को दिखाते हैं। खबर दरअसल आपको बताएं कि रथनबोर से है। यहां पर एक शिकार को लेकर दो बाघ आपस में ही लड़ गए। इस दौरान दोनों में जमकर घमासान हुआ और देखते ही देखते दूसरे बाघ को सरेंडर करते हुए इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इसके बाद जीतने वाला बाघ T120 ने भोजन का जमकर लुफ्त उठाया है। तस्वीरें देखिए जरा किस तरीके से दो बाघ अपने शिकार के चक्कर में आपस में भिड़ते नजर आए। इन दिनों गर्मी ने परेशान किया हुआ है। जून की गर्मी से बचने के लिए कई लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, मगर धर्मनगरी में भी सूर्यदेव की तपिश कम नहीं है। जून में चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी इन दिनों धर्मनगरी की ओर रुख कर रहे हैं, लिहाजा यहां पहुंच रहे यात्री तपती धूप में नींबू पानी और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। बहुत है, जगह जगह पानी पीने पड़ रहा है और नींबू पानी के बगैर तो काम चल ही नहीं रहा है। आसमान से बरसती आग ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। चौक चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मी भी गर्मी से परेशान हैं। इसी समय थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, थोड़ा शाम का सारा ले लें, बाकी तो वही ड्यूटी तो ड्यूटी है, इसे ड्यूटी करनी है। यदि कोई ट्रैफिक कर्मी अलग हो जाता है रोड से और काफी आवागमन बना हुआ है तो फिर जाम की समस्या पूरी उम्मीद रहती है कि जाम बढ़ेगा। स्थानीय लोगों ने भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के काम की सराहना की है। यातायात पुलिस की, पुलिस विभाग की, जो इतनी गर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कल्पना जी को आपने देखा होगा भगत सिंह चौक के ऊपर, वो अपनी ड्यूटी चाहे धूप कितनी भी हो लगातार देती रहती हैं। फिलहाल मानसून आने में वक्त है और गर्मी से लोग परेशान हैं। इंतजार इंद्रदेव की मेहरबानी का है कि आखिर इंद्रदेव कब प्रसन्न होंगे, क्योंकि सूर्य देव की तपिश लोगों को सहन नहीं हो पा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं उत्तराखंड में अब लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम